वेलकम फ्रेंड्स एट ज्ञान एजुकेशन। मैं हूं दुर्गेश कुमार और आपको बताऊंगा लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकर्स क्वेश्चंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल डी, जो कि मैंने आपको तीन वीडियो रिकॉर्ड कराया था उसकी रिगार्डिंग ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे, जो कि काफी अहमियत रखेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, मतलब कि ये आपको एक्ट का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ये एक्ट का नाम पूछ रहा है आपसे कि ये क्या है। आपको थोड़ा इसको मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा याद रखना होगा, जैसे कुछ कि इसको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन में बता रहा हूं क्या है। 1 सितंबर 1872, ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। तो हम इसको याद रखेंगे ऐसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू 1 सितंबर 1872, ठीक है, पहली तारीख सितंबर की। ठीक है, ये ऐसे याद रखेंगे, थोड़ा कुछ याद रहेगा आपको, पहली तारीख सितंबर की। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, अप्लाइज टू द, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या रहता है कि इसमें ये कुछ एक्ट हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहां नहीं लगता, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता, इस तरीके से आपको याद रहेगा। होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग JNK, ठीक है, ये इसका ऑप्शन ए है। हम आगे बढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट, देखिए ये क्या कह रहा है कि ये प्रॉमिस कितने के बीच हो सकता है। एग्रीमेंट मतलब मैंने आपको बताया था क्लास में कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट ऑफ, तो कितने पार्टीज के बीच, टू पार्टीज, ठीक है, तो इसका डी है, तीन का डी। आगे बढ़ते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, जो कि मैंने बताया था आपको क्लास में, अगर आप भूल गए हो तो आप वीडियो देखिए, हमने रिकॉर्ड किया है उसको, वो देखिए आप, उससे और क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब क्या है ये। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आगे फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, जो कि इसके डेफिनेशन में एग्रीमेंट, ठीक है, वो एग्रीमेंट है तभी कॉन्ट्रैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, ये भी कुछ सेक्शन से रिलेटेड है, इसका भी एक ट्रिक है, आपको याद ऐसे रखना है ये कि हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसका याद रखेंगे 2H मतलब दूसरा घर, 2H मतलब होम, घर है, या आप इतना भी याद रखेंगे कि अगर ऐसा ऑप्शन आया तो आपको होम याद रखना है, घर, एच से होम, एच फॉर होम, ऐसा रहता है ना। ठीक है, 2H। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था क्लास में बहुत अच्छे तरीके से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण अहमियत रखता है कि वो वैलिड हो। ठीक है, एक एग्रीमेंट जो कि वैलिड हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन है, इसमें सारे चीज आ रहे हैं, देखिए, मेड बाय फ्री कंसेंट, मेड बाय कंपिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए ये ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स क्या कह रहा है कि ये क्या क्रिएट करना चाह रहा है। ठीक है, ये कौन, तो आप पढ़ेंगे ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, राइट एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टी, म्यूचुअल लॉफुल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी। देखिए ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, ये आपके नॉलेज को चेक कर रहा है, ये घुमा रहा है, पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी, ये नहीं हो सकता, राइट एंड ऑब्लिगेशन मतलब ये नहीं होगा, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होता है, राइट नहीं आता। ठीक है, तो राइट तो पार्टीज में होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट में ये क्रिएट नहीं होता, तो इसलिए ये ऑब्लिगेशन होगा। 7 का बी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एग्रीमेंट ऑफ ए प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज, क्या कह रहा है कि प्योरली डोमेस्टिक नेचर का कोई एग्रीमेंट है, इसमें क्या इंटेंशन, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, टू, अगर टू बी प्रूफ टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, ये पहला है। अब हम नीचे के ऑप्शन को क्या समझते हैं, प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड टू एक्सटेंशन ऑफ कंसिडरेशन, ये भी नहीं हो सकता। नॉट रिलेवेंट एट ऑल, ये भी नहीं है, इसलिए पहला है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 9, ये फिल इन द ब्लैंक जैसा है, फॉरबिडन बाय लॉ, क्या कह रहा है, फॉरबिडन बाय लॉ, फिल इन द ब्लैंक से हम ऑप्शन चेक करेंगे। पहला, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इलीगल हो ही नहीं सकता, वॉइडेबल नहीं हो सकता, अनइंफोर्सेबल नहीं हो सकता, तो क्या है। अब हम देखते हैं क्या वैलिड, क्या वैलिड फॉरबिडन है, नहीं
है ही नहीं, ये हम चेक करेंगे फिलिंग में डाल के कि ये क्या नहीं क्या है, इलीगल इलीगल एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि मना करता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं कहता, इसलिए ये है। ठीक है, 9 का बी, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बीट हिज बिजनेस कंपिटेटर। देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट जो कि मैंने पिछले ऑप्शन में बताया, सेम आ गया कि क्या कह रहा है कि आपको किसी को बीट मतलब किसी को मारना है, ये क्या नहीं हो सकता ना, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं हो सकता, क्या इलीगल एग्रीमेंट है, हाँ ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसलिए क्या है इसका ऑप्शन 10 का भी, ये इलीगल है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मैंने आपको एक वीडियो में इंडेमनिटी भी बताया है अच्छे से, अब हम उसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि इंडेमनिटी मींस क्या है, ये पहला ऑप्शन सिक्योरिटी फॉर डैमेज और लॉस, सिक्योरिटी फॉर मोर प्रॉफिट, एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था इसमें इंडेमनिटी का क्या बताया था, दो चीज आपको याद रखना है, क्षतिपूर्ति और मुआवजा, ये दो चीज बिल्कुल आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, यही रहता है सिक्योरिटी फॉर डैमेज और लॉस, हाँ ये आ रहा है डैमेज और लॉस, सिक्योरिटी फॉर मोर प्रॉफिट, ठीक है ये क्या कह रहा है, हाँ इसमें भी कुछ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं, डी बोथ ए एंड बी, ठीक है तो ये डी ऑप्शन आ रहा है इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन फिर सेक्शन का कोई 124 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 124 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैं बता रहा हूं इसमें आपको क्या लिंक करना है, एक या 124 ये थोड़ा कॉमन वर्ड है, कॉमन डिजिट का सीक्वेंस है जो कि आपको याद रहेगा, किस लिए 124 किस लिए, तो इंडेमनिटी के लिए, किस लिए इंडेमनिटी के लिए, याद ऐसे रखें, किस लिए मुआवजा के लिए, 124 मुआवजा के लिए, ठीक है इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको, सी है इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पर्सन लॉस, वही चीज वो उसका डेफिनेशन है, ये बिल्कुल उसका डेफिनेशन है, तो बस डेफिनेशन है तो आपको अगर पता है तो सीधा सीधा इंडेमनिटी, क्या कह रहा है सेव कर रहा है वन पार्टी को, सेव फ्रॉम अदर लॉस कॉस्ट टू हिम बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोमिसर, ठीक है ये आपको ऑप्शन 13 का सी है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये आ सकता है, ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इनफैक्ट, ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि आपको बचा, आप इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, आप इंश्योरेंस क्षतिपूर्ति मुआवजा मतलब कि इंश्योरेंस क्यों, अपने बचाव के लिए, तो ये अगर कुछ कुछ होता है तो क्या मिलेगा हमें, मुआवजा मिलेगा, तो हम ये इंडेमनिटी रखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन 14 का बी है। हम 15 पे आते हैं, सेक्शन 124 to 147, भाई 124 क्या होता है इंडेमनिटी होता है, 147 क्या होगा गारंटी होगा, इसलिए 124 आपको पहले मैंने बताया इंडेमनिटी है, 147 ये गारंटी से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये बोथ का है, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल, अगर किसी ऑप्शन में आपको बोथ है एनबी जैसा आया तो आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो जिसमें कुछ ऐसा हो वही आंसर होता है बोथ एंड ए एंड बी वाला। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसमें केयर चेक करेंगे कंटेंट को, जैसे इसमें सेक्शन का है तो आपको पता है कि हाँ 124 इंडेमनिटी है, तो 127 किस से रिलेट कर रहा है, गारंटी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि क्या है कि कोई सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन 1+2+3, ऐसा मैंने बताया कि ए कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर 2 हुआ 3, मतलब वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो वो कंटिन्यून गारंटी है, ये मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर आप भूल गए हो तो फिर क्लास को आप देखेंगे, वीडियो है आप उसको देखेंगे रेफर करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 17 में, ए इन कंसिडरेशन दैट बी बिल इंप्लाइज सी इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बी प्रॉमिस बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ 5000, मतलब इसमें वही चीज आया कलेक्शन ऑफ पेमेंट बाई सी, मैंने जो आपकी क्लास में बताया था, ये चीज आ गया किसका, गारंटी का। ठीक है, अब गारंटी में क्या, ये कंटिन्यू मतलब वो उसको रिस्पॉन्सिबल फर्दर, मतलब वो उसको बता रहा है कि विल, देखिए ये आ गया फ्यूचर टेंस विल, आपको ये विल, ये चीज बी विल इंप्लाय सी, मतलब वो कह रहा है कि ये चीज ऐसा होगा तो तुम्हें ये इसके लिए। अब इसमें कौन है, ए कौन है क्रेडिटर है, सी कौन है डेटर है, बी कौन हो गया सियोरिटी जो कि गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही है। अब इसमें ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन, तो कंटिन्यू गारंटी बस ये ऑप्शन है। हम आगे बढ़ते हैं, 18 सेक्शन 142 ऑफ, मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर सेक्शन से रिलेटेड हो तो आपको थोड़ा सा केयर रखना है कि ये डिजिट क्या कह रहा है,
142 मैंने आपको 147 का बताया कि वो किससे रिलेट करता है, गारंटी से। अब ये थोड़ा ट्रिकी, मतलब इसमें ट्रिक है कि क्या है। पहला कह रहा फ्री कंसेंट, क्या गारंटी ऑब्टेन बाय फ्री कंसेंट है, ऑब्टेन बाय फ्रॉड है या ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें 18 का सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गारंटी मींस, देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप, मुझे लगता है ये आ सकता है। ये क्या कह रहा है गारंटी, जो कि मैंने आपको बताया था क्लास में, गारंटी मींस क्या है कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक्स वाई जेड वाला, एक्स क्या है क्रेडिटर है, वाई क्या है डेटर है, जेड कौन है सीओटी, गारंटी वो दे रहा है तो वो सीओटी है, उसमें तीन पार्टीज होते हैं, वही वाला है ये, तो इसका ए है। ठीक है, अगर आप किसी पार्ट पे कंफ्यूज हैं इन तीनों टॉपिक में तो आप जाके वीडियो देखिए जो कि हमारे चैनल पर डला है, आप उसको देख सकते हैं, क्विक रिव्यू कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए 20वां, एनी गारंटी ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर। देखिए पहले, अभी रिसेंट पीछे ही क्वेश्चन में ये आया था, मिसरिप्रेजेंटेशन आया, हिज नॉलेज एंड असेंट, मतलब क्या वो मिसरिप्रेजेंटेशन करा, क्या वो हो सकता है वैलिड, नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि वो मैं आपको मिसरिप्रेजेंटेशन का बता रहा हूं कि मैं झूठ मूठ का कोई चीज रिप्रेजेंट कर दूं जो कि वो है ही नहीं, मैं बता दूं कि ये मेरा घर है जो कि है नहीं, तो वो नहीं है, क्या है इनवैलिड है। इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे इनवैलिड है, क्योंकि उसमें कुछ वैसी चीजें हैं जो कि है नहीं, तो इसलिए वो इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि वो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ और लीगली लीगल होनी चाहिए, फ्री कंसेंट ये चीजें होनी चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, ये रहा ये 20 बेहतरीन कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, होप कि इसमें से आए और आप सही सही टिक लगा के आए। ठीक है, आपको होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो। फर्दर अगर नहीं समझ में आई हो कोई चीजें तो आप इसको दोबारा देखेंगे, दोबारा से वीडियो देखेंगे या फिर क्लास जो वीडियोस कुछ डले हैं चैनल पे उसको जाके देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, होप आपका एग्जाम इससे अच्छा हो। धन्यवाद।